तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने अपने एक दूसरा चैनल को ओपन किया हुआ। देखिए यहाँ पे, वहाँ पे वीडियो वाले सेक्शन में गया, लेयर वाले प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आया था, यहाँ पे प्लेलिस्ट है। और जैसे ही यहाँ पे चैनल वाले सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पे चैनल रहता है, अबाउट सेक्शन में अपना अबाउट अपने बारे में जो रहता है वो रहता है। लेकिन फिलहाल चैनल वाले सेक्शन में आते हैं तो मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक यहाँ पे, जो फर्स्ट बाबा जी मौज यहाँ पे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, इस चैनल का लिंक मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है। तो जो भी यहाँ पे व्यूवर्स आएंगे यहाँ पे इस चैनल पर, राज मैथमेटिक्स चैनल पर आएंगे, तो वहाँ पे अगर चैनल वाले सेक्शन में जाएंगे तो मेरा ये वाला चैनल का लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, तो जिसके थ्रू इस चैनल पर भी वो पहुँच सकते हैं। तो अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर, अगर आपका भी दो चैनल है, चाहे वो शॉर्ट वीडियो का चैनल हो या किसी प्रकार का चैनल हो, तो आप भी अपने एक वीडियो में दूसरे चैनल को ऐड करना चाहते हैं, या यहाँ पे मैं चाहूँ तो अपने किसी और फ्रेंड का भी चैनल ऐड कर सकता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने चैनल वाले सेक्शन में यहाँ पे किसी और फ्रेंड का चैनल ऐड करना, या आपका कोई दूसरा चैनल तो यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा कैसे इसको ऐड करना है, अपने किसी भी चैनल में किसी दूसरे का चैनल या अपने चैनल को कैसे ऐड करना है इसमें दूसरे चैनल को। तो यहाँ पे आज मैं इसको, बस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। तो मैं हूँ रविचंद और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग चैनल बाबा जी मौज। तो हो सके दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का डेली कॉन्टेंट अपलोड होते रहता है और आगे भी होते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट और चैनल वाले सेक्शन में यहाँ पे मैंने फिलहाल कोई भी चैनल फीचर चैनल ऐड नहीं किया हुआ है। यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा खाली है, यहाँ पे देखिए एक भी नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है दिस चैनल डजंट फीचर एनी अदर चैनल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे कैसे इसको ऐड करना है। तो चलिए यहाँ पे ऐड करने के लिए सब बैक हो जाते हैं यहाँ से, और आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। चलिए क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं यहाँ से, और आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में जाना है और youtube.com आपको सर्च करना है। तो फिलहाल मेरे ऑलरेडी यहाँ पे यूट्यूब फिलहाल यहाँ पे चलिए करते हैं। फिर से यहाँ पे इसको YouTube यहाँ पे आ गया। अब इसको youtube.com जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपके सामने youtube.com का पेज हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप आइकन को ऑन कर देना है। ध्यान से देखिए डेस्कटॉप आइकन को ऑन करना है आपको। डेस्कटॉप आइकन को जैसे ही ऑन कीजिएगा तो आपके सामने आपका जो भी आपका यहाँ पे मोबाइल है आपके डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इससे डेस्कटॉप मोड में करने से आपको फ़ायदा है कि इस तरह से आप अपने सारे आइकन को अवेलेबल हो जाते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से, डेस्कटॉप में जैसे चलता है वैसे चला सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में आप थोड़ा जूम करके आपको आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें यहाँ से, थोड़ा यहाँ पे हाई वर्किंग हो गया, बैक करते हैं थोड़ा, फिर से करते हैं और यहाँ पे जो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं आपको यहाँ से। और आपको क्या करना है, आपको अपने चैनल के जो आइकॉन होता है ना उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर थोड़ा जूम करते हैं, इसको इधर लाते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा राइट कॉर्नर में, यहाँ पे चैनल का लोगो है, इस पर क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे योर चैनल का ऑप्शन आ जाएगा, योर चैनल पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपके चैनल का यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो आपको थोड़ा इसको जूम आउट कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल और यहाँ पे मैनेज वीडियो का ऑप्शन आएगा, तो कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा यूट्यूब स्टूडियो वाला। तो आपको यूट्यूब स्टूडियो में नहीं जाएगा, ये यूट्यूब स्टूडियो के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता है, और वहाँ पे जो पेज होता है youtubestudio.com पे चला जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे स्टूडियो youtube.com पे यहाँ पे आ चुका है, गूगल अकाउंट मैच कर रहा है, स्टूडियो youtube.com पे आता है, खुद ऑटोमेटिक आता है और आपके चैनल को रीडायरेक्ट करता है यहाँ से। और यहाँ पे तो देखिए दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही ओपन होगा तो फिलहाल आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे अदर में आप जाएंगे, और यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करते हैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए। देखिए आपको अदर नहीं करना, सिर्फ जैसे ही ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान से देखिए ऐड सेक्शन का, तो यहाँ पे ऐड सेक्शन को जूम आउट करेंगे फिर से, और ऐड सेक्शन पर आपको क्लिक करना है। ऐड सेक्शन पर क्लिक करने पर थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको आपको, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा फीचर चैनल्स का, फीचर चैनल सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे फीचर्स चैनल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है, क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा जूम आउट करना है इसको, और यहाँ पे चलिए हम जूम आउट करते हैं थोड़ा, देखिए हो गया। और जैसे ही आएगा तो कहेगा आप आपको चैनल का टाइटल दीजिए। तो फिलहाल पहले चैनल को सर्च करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर ऐड ए सेक्शन टाइटल का मतलब माई सेकेंड चैनल, ठीक है, माई सेकेंड चैनल हो गया।
माई सेकेंड चैनल। अब यहाँ पे आपको चैनल का नाम सर्च करना है, या आपने अपने चैनल का नाम यहाँ पर सर्च करना था, जो आपका जो भी चैनल का नाम है वहाँ पर सर्च कर लीजिएगा। फिर मेरे बाबा जी मौज, मुझे इस चैनल को ऐड करना है वहाँ पे। तो चलिए जैसे ही बाबा जी मौज मैंने सर्च किया, थोड़ा जूम आउट करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाबा जी मौज यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर थोड़ा और करते हैं बाबा जी मौज, देखिए। अब यहाँ पर आपको अपने चैनल को ढूंढ लेना है कहाँ आपका चैनल है। तो फिलहाल मैं आपको ढूंढ के आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही बाबा जी मैंने मौज सर्च किया था, मेरा चैनल ऊपर फर्स्ट में रैंक कर रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले इसको डन करेंगे यहाँ से। अब आपका यहाँ से बैक होना एक बार, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा जुमर करेंगे तो यहाँ पे डन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से डन कर देना है। जैसे ही डन कीजिएगा तो आपका चैनल यहाँ पे नीचे शो कर देना है। देखिए फीचर्स चैनल के रूप में आपको दिखा देगा, माई सेकेंड चैनल दिखा देगा फीचर्स चैनल। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा, बस आपको यहाँ से पब्लिश कर देना है। और जैसे ही पब्लिश कर दीजिएगा तो कहेगा आपको व्यू चैनल, यहाँ पे पब्लिश हो चुका है, गो टू सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पे व्यू चैनल पे क्लिक करेंगे तो हम अपने चैनल पे चले आएंगे। देखिए यहाँ पे चैनल पे आपको दिखा दे रहे हैं, हो गया। अब आपको क्या करना है, वीडियो वाले सेक्शन, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, और जैसे ही चैनल वाले सेक्शन में आएंगे तो फिर से करा डज नॉट फीचर्स चैनल, फिर से एक बार तो देखते हैं इधर हुआ है कि नहीं। तो दोस्तों इसको रिफ्रेश करते हैं, फिर से आता है कि नहीं देखते हैं रिफ्रेश करके, शायद आ जाए। तो रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे एक बार, फिर से रिफ्रेश करते हैं। और अब देखिए अब यहाँ पे आ चुका है रिफ्रेश करने के बाद। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था माई सेकेंड चैनल, यहाँ पे आ चुका है बाबा जी मौज। और यहाँ पे देखिए बाबा जी मौज मैंने दोबारा किया तो दोबारा भी आ चुका है, दो बार किया मैंने, मुझे लगा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, लेकिन दोनों टाइम में दो टाइम हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते इस तरह से ऐड करना, तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे फीचर चैनल ऐड करना है यहाँ पे, आप चाहें तो बहुत सारे चैनल ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल वाले बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले हर अगले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।